आज हमने खस्ता, कुरकुरा और यूनिक स्टाइल में पनीर चीज ओनियन पराठा बनाकर रेडी किया है। ये देखिए हमारा पराठा कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। आप इसको कभी भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों का टिफिन हो या हमारे घर में गेस्ट आए, हमको कुछ स्पेशल बनाना हो, तो आइए चलिए देखते हैं इस नाश्ते को कैसे बनाकर रेडी करना है। चलते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज पनीर ओनियन पराठा। इसके लिए मैंने ये प्याज लिया, ये छोटा सा टुकड़ा पनीर का लिया, ये और मैंने ये चीज लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने प्याज लिया है उसको हम काट के नहीं, हम प्याज को कद्दूकस करेंगे। मोटे वाले ग्रेटर से हम कद्दूकस करके रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने प्याज तो ग्रेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इस प्याज का जो पानी है उसको हम निचोड़ लें। ये देखिए, प्याज को ग्रेट करने के बाद जो पानी निकला था वो हम अब इसके अंदर डाल देंगे। हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इस पानी को हम जब आटा का डो लगाएंगे उसी के अंदर हमने डाल दिया। हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया था और जो ये हमने मैदा लिया है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और जो ये गेहूं का आटा लिया है इसको भी हम इसमें डाल देंगे और एक चम्मच ऑयल डालेंगे। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर रेडी कर लेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, जितनी जितनी हमको जरूरत होती जाएगी उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, एक जरूरी बात, अगर आप चाहें तो खाली मैदे से भी बना सकते हैं और आप खाली गेहूं के आटे से भी मिलकर बना सकते हैं, लेकिन हम दोनों चीजों को मिक्स करके बना रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। हम अपने चैनल पर डेली नई नई और आसान रेसिपीज लाते रहते हैं। ये देखिए, हमने आधा ग्लास पानी लिया था, उसका आधा ही पानी हमको डो लगाने में लगा है। ये देखिए, डो ऑलमोस्ट हमारा लगकर रेडी हो गया है। अब इसमें हम हल्का सा ऑयल का हाथ लगाएंगे। हमने बिल्कुल जरा सा हाथ में ऑयल लगा लिया है और अपने डो को हम सेट करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद, ताकि हमारा डो अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद हम इसका नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। और जो ये हमने चीज और पनीर लिया है उन सब चीजों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, चीज पनीर हमने हाथों से अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा काली मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे, इससे हमारा नाश्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप चाहें तो डालें आप इसकी जगह, हमारे घर में लाल मिर्च हरी मिर्च नहीं खाई जाती है इसलिए हमने काली मिर्च यूज करी। आप चाहें तो इस टाइम अदरक हरा मिर्चा भी चॉप करके डाल सकते हैं। हमने इसको हाथों से क्रश किया, आप स्पून की हेल्प से भी क्रश कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक मसाला और ऐड करेंगे, बिल्कुल आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर ऐड करेंगे और फिर से इसको भी हम अच्छे से सारी चीजों को एक बार फिर से मिक्स कर देंगे ताकि सारी चीजें आपस में अच्छे से घुल मिल जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि डो हमारा बनकर रेडी हो गया। इसको भी हम रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। ये देखिए, डो हमारा लगकर अच्छे से रेडी हो गया। ये देखिए, हम आपको पास से दिखाते हैं कि सेमी सॉफ्ट डो बनाकर हमको रेडी करना। अब इन सब चीजों को हम साइड में रखते हैं, उसके जब आटा हमारा रेस्ट कर चुकेगा तो उसके बाद हम इसका नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। हमारा रेस्ट कर चुका है, ये हमारा बैटर जो हमने स्टफिंग रेडी करी थी, अब हम ये एक छोटी सी इतनी बड़ी लोई लेंगे और इसको नॉर्मल जैसे हम लोग बेलते हैं वैसे ही बेलकर रेडी कर। ये देखिए, लोई हमने बेल ली है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा नमक स्प्रिंकल करेंगे और ये स्टफिंग रखेंगे और इसको पतला पतला फैला देंगे। लोई स्टफिंग हम मोटी नहीं रखेंगे क्योंकि हम इस पराठे को आज हम बना रहे हैं लिफाफा पॉकेट पराठा, इसलिए हम इसको
बहुत मोटी स्टफिंग हम नहीं रखेंगे, बिल्कुल पतली पतली ही फैलाएंगे। अब हम इसको चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे। पहला फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगाएंगे। अब हम दूसरा फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर भी हम हल्का सा पानी लगा देंगे, और जो बाकी का फोल्ड है वो हम इसके ऊपर इस तरीके से कर देंगे ताकि हमारा कोई भी पार्ट खुले नहीं। ये देखिए, हमने इसको इस तरीके से, ये देखिए पराठा हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम हल्का सा सूखा आटा डस्ट करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको बेलेंगे ताकि हमारी स्टफिंग डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद हम आटे को हल्का सा झाड़ लेंगे। तवा हमने पहले से गरम करने के लिए चढ़ा दिया। अब हम इसको सिकने के लिए गैस की फ्लेम लो रखेंगे, और तवे पे हमने पराठा अपना सिकने के लिए छोड़ दिया है। सिक रहा है, तवे पर है, तब तक हम आपको एक और इसी तरीके से बनाकर दिखाते हैं। पूड़ी की तरह जैसा हम पतला बेलते हैं वैसा हम बेल के रेडी कर लेंगे। हल्का सा नमक स्प्रेड करेंगे क्योंकि हमने स्टफिंग में नमक नहीं डाला था। प्रोसेस फॉलो करेंगे, एक परत फोल्ड करेंगे, परत के ऊपर हल्का सा पानी लगाएंगे। आप इसकी जगह स्लरी भी लगा सकते हैं, और दूसरी तरफ भी लगाएंगे हल्का हल्का, और एक के ऊपर एक रख के फिर से हम इसको फोल्ड कर देंगे। देखते हैं हमारा दूसरा पराठा जो हमने सीकने के लिए चढ़ाया था, एक तरफ से हमने पल हम इसको दूसरी तरफ हमने देसी घी में बना रहे हैं। आप इसको रिफाइंड ऑयल या अपने मनपसंद जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें सेक कर भी रेडी कर सकते हैं। हमने इसको पलट दिया। अब हम दूसरी तरफ भी घी लगा देंगे। ये देखिए, हमारा पराठा सीख गया था। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए, एक पराठा हमारा सीख गया था। ये देखिए, हमारा पराठा के देखने में कितना सुंदर लग रहा है। हमने दूसरा पराठा सीखने के लिए छोड़ दिया है। ये देखिए, हमारा पराठा कितना टेम्पटिंग लग रहा है। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम अपने चैनल पर इसी तरीके की आसान आसान रेसिपी रोज लाते रहते हैं। अब हम इसको अभी प्लेट में सर्व कर रहे हैं। ये देखिए, हमारा पराठा सीखकर रेडी हो गया। हमने इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लिया। हम आपको दिखाते हैं कि हमारा पराठा कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ। ऊपर अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आपको फिर से याद दिला दें, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई और आसान आसान रेसिपी लाते रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।